तो गाइस यार, आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है? अरे भाई, हमें गर्लफ्रेंड नहीं मिल रहा है। अरे यार, ये तो सबका प्रॉब्लम है। इसके अलावा आपके गेम में क्या प्रॉब्लम है भाई? हमारे गेम में हेडशॉट नहीं लग रहा है। हाँ यार, यही हुई ना बात कि आपका हेडशॉट नहीं लग रहा है। तो देखो भाई, आज के वीडियो में ना मैं आपको ऐसे कुछ फायर बटन के सेटिंग्स और फायर बटन के साइज बताने वाला हूँ, जिसको करने के बाद आपका टपाटप 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 हेडशॉट लगने वाला है। मैं नहीं मानता। अब देखो यार, सिर्फ वन टैप हेडशॉट लगेगा ऐसा नहीं है। वन टैप हेडशॉट प्लस ड्रैग हेडशॉट, दोनों हेडशॉट ही काम करेगा ये फायर बटन को करने के बाद। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो को बिना स्किप करे पूरा एंड तक देखे। और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, भाई क्या कर रहे हो? ऐसे भी हमारा चैनल अभी के टाइम पे डाउन चल रहा है, तो कर दो सब्सक्राइब, थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी कर देना और एक लाइक भी कर देना। फिलहाल के लिए चलो आज के वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यार, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ फायर बटन रखने का बेस्ट पोजीशन कौन सा है। तो यहाँ पे आपको कस्टम मोड को ओपन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपको क्रॉसहेयर दिख रहा है, तो यहाँ से आपको एक लाइन ऐसे क्रिएट कर लेना है, मतलब आपको गेज कर लेना है। उसके बाद आपको एक और लाइन यहाँ पे ऐसे गेज कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे जो राइट साइड का 50% है, तो इसको आपको फिर से 25% में डिवाइड कर देना है। ऐसे करके आप लोग देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो नीचे का जो हिस्सा है, यहाँ का जो 50% है, इस 50% को आपको फिर से यहाँ पे 25% में यहाँ पे आपको डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो एक बॉक्स हो चुका है। तो भाई यही सबसे बेस्ट पोजीशन है फायर बटन रखने का। अगर आप लोग यहाँ पे फायर बटन रख के खेलोगे तो आप लोग वन टैप से लेके ड्रैग हेडशॉट सब कुछ बहुत ही आसानी से इजिली मार सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि फायर बटन का बेस्ट साइज कौन सा है जिसमें आपका हेडशॉट ओपी वाला लगेगा। अब देखो यार, लो डिवाइस के लिए, मतलब अगर आपके पास 2GB रैम है या फिर 3GB रैम है ना, तो आप लोग क्या करें कि फायर बटन के साइज को 70% से ऊपर रखें। हाँ भाई, 70% से आपको ऊपर रखना है। आप लोग 70 भी रख सकते हो, 72 रख सकते हो, 73 या फिर 75 ऐसे रख सकते हो। आपको 70% से ऑलवेज ऊपर रखना है अगर आपके पास 2GB 3GB रैम के फोन है। और देखो यार, जिनके पास 4GB रैम या फिर 6GB रैम के फोन है, तो वो लोग यहाँ पे फायर बटन के साइज को 65% रख सकते हो। हाँ भाई, 65% आप लोग रख सकते हो या फिर आप लोग 60% भी रख सकते हो, दिक्कत नहीं है। अब देखो, जिनके पास हाई डिवाइस है जैसे 8GB रैम, 12GB रैम या फिर आईफोन वगैरह है, तो वो लोग फायर बटन को ज़्यादा वरा ना रखे, वो लोग यहाँ पे 55% ट्राई कर सकते हो, या फिर आप लोग यहाँ पे 59% ट्राई कर सकते हो, या फिर आप लोग यहाँ पे 45% ट्राई कर सकते हो। ये सबसे बेहतरीन होगा हाई डिवाइस के। जिनके पास जितना हाई डिवाइस है, वो लोग फायर बटन के साइज को उतना ही छोटा रखे, तभी आपका हेडशॉट वगैरह बहुत ही अच्छे से बहुत ही इजीली लगेगा। क्योंकि ये चीज सबसे पहले मैंने ट्राई किया है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई। रुक जाओ यार, अभी भी वीडियो खत्म नहीं हुआ है यार, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, रुको जरा सबर करो। देखो यहाँ पे मैं आपको फायर बटन का एक सेटिंग बता देता हूँ जो कि सबसे ओपी लेवल का सेटिंग है और जो मैं खुद यूज करता हूँ और बहुत ही अच्छा खासा हेडशॉट मार लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे डबल फायर बटन यूज करना है। हाँ भाई, सही सुना, यहाँ पे आपको डबल फायर बटन का यूज करना है। कैसे क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे लेफ्ट फायर बटन को रखना है। हाँ भाई, सबसे पहले आपको यहाँ पे लेफ्ट फायर बटन को रखना है और लेफ्ट फायर बटन की जो ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी को सबसे पहले आप लोग बिल्कुल 100 रखें, जिससे आपको दिखने में आसानी होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको राइट फायर बटन को बिल्कुल इसके ऊपर रखना है, लेकिन यहाँ पे आप लोग 45° एंगल में आपको रखना है। हाँ भाई, 45° एंगल में रखना है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो कि मैं कैसे रख रहा हूँ। यहाँ पे जो बुलेट का आइकन है, आप लोग देख सकते हो, इस आइकन को बिल्कुल आपको इसके ऊपर थोड़ा सा एंगल करके 45° में ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम रखना है। और उसके बाद आप लोग गेम खेल के देख सकते हो भाई, आपका एकदम ओपी लेवल का हेडशॉट लगने वाला है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक मोबाइल का सेटिंग बता देता हूँ। आपको मोबाइल के सेटिंग के अंदर जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको टच एंड होल्ड डिले सर्च कर लेना है। फिर जैसे ही आएगा तो यहाँ पे आपको ऊपर वाले में 0.5 सेकंड इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा कि जब भी आप लोग फायर बटन को टच करने जाओगे तो उसका जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा और आपको ड्रैग या फिर वन टाइम मारने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा। तो आप लोग ये चीज़ एक बार ट्राई करके देख सकते हो, 101% आपका हेडशॉट लगने वाला ही है। 101% भाई, मैं गारंटी देता हूँ। तो यार, आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो ना, तो सब्सक्राइब कर लो भाई, पैसा थोड़ी ना कर रहा है आपका।